हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो हम लोग देख रहे थे पास्ट ईयर क्वेश्चन की सीरीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जरा आगे स्टार्ट करने से पहले अगेन हमारी ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल हैं, जिनको कि आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो ये हम लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स को बेसिकली पांच सेक्शन में डिवाइड करके रखा था, जिसमें टर्शरी सेक्टर हम लोग ऑलरेडी कर रखे थे और इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में हम लोग कर रहे थे। अकॉर्डिंगली वी विल मूव ऑन टू दिस अदर टॉपिक्स, जिसमें से हम लोग देखे हुए थे कि जो हमारा पॉवर्टी वाला चैप्टर था और साथ में हमारा जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ हमारा टर्शरी सेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। कंटिन्यू करते हैं लास्ट ईयर के डिस्कशन से ही, जो भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। तो 25 क्वेश्चन तक हो गए थे, अगले 25 क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है, हमेशा ध्यान यूपीएससी के पेपर में ये देना बहुत जरूरी होता है कि पूछा क्या गया है। तो पहले आराम से एकदम पढ़ना है पेपर, उसके बाद से क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ना है, फिर उसके बाद से ऑप्शन को समझना है, फिर आंसर मार्क करना है। काफी टाइम होता है, टाइम की कोई किल्लत नहीं है, टाइम की दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला बोलता है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। करेक्ट है, अभी भी ये सही डेटा है। इंडिया इज द नाइन्थ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग, नो, अब ये चीज चेंज हो गई है और ये बदल करके अभी सेकेंड नंबर पे आ गई है। इंडिया सेकेंड नंबर पे स्टील प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। सिल्क प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पे है, करेक्ट है, अभी भी सेकेंड नंबर पे ही है। और थर्ड रैंक है कोल प्रोडक्शन में, ठीक है, थर्ड रैंक ही कोल प्रोडक्शन में आ जा रही होती है। फिलहाल ये 2003 का क्वेश्चन है, आज के पर्सपेक्टिव में अगर बात करेंगे तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इनफैक्ट उस समय भी इसका आंसर बी ही था। तो खैर उस समय जो आया सो आया, हमें बेसिकली आज के टाइम में बात करनी है कि आज के हिसाब से क्या आंसर होगा। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में आ जाते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। अब देखिए यहां पर जब आप बात करेंगे तो बेसिकली IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नियरली 40% ऑफ टोटल के टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बना रहा होता है। इसमें अगर बात करें सबसे ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस करने वाली, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री कौन सी है, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि दिस इज द इंडस्ट्री। 2003 का पता नहीं, लेकिन आज के डेट में क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर इलेक्ट्रिसिटी होगा। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अलायंस एयर इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ इंडियन एयरलाइन। दूसरा बोलता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज 7 ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए ये गलत है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज अ PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ये आ जा रही होती है और यहां पर ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रही होती है। बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन वर्क और ये फिलहाल टोटल 125 एयरपोर्ट को मैनेज कर रही है, टोटल 125 एयरपोर्ट। तो यहां पर ये बोल रहा है केवल और केवल 7 एयरपोर्ट, ये गलत हो जाएगा, 125 आज की डेट में। तो इस वजह से बोलता है कि क्या करेक्ट है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। चलिए यहां पर बोलता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एविएशन। नहीं, सिविल एविएशन में जितने भी नियम कानून, जो भी लॉ मेकिंग, मैनेजमेंट जो भी करना होता है, वो सारा मैनेजमेंट किया जा रहा होता है DGCA के द्वारा, DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बात कर लेते हैं, इट इज द फंक्शन ऑफ DGCA टू प्लान कंस्ट्रक्ट रनवे एंड टर्मिनल बिल्डिंग। देखिए ये भी गलत है, इनफैक्ट इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी और DGCA का काम सिविल एविएशन रूल को इन्फोर्स कराने को लेकर के, तो ये दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। खैर इसमें करेक्ट केवल पहला ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन पहला ऑप्शन तो खैर हमारे लिए उतना कुछ खास नहीं है, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना काफी ज्यादा जरूरी था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 देखा है, होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कहता है कि इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट रबर। करेक्ट है, बिल्कुल रबर को हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। अबाउट 97% ऑफ डिमांड फॉर नेचुरल रबर इज मेट फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम लोग रबर निकालते भी सबसे ज्यादा हैं और साथ में हम लोग प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा कर रहे होते हैं, साथ में हमारी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है।
और कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने के कारण से ही हम लोग इसको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा ए इसका। क्वेश्चन नंबर 30, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। क्या चीज है बीओपी? आपको पता ही है, जो भी हमारा ट्रेड जो भी होता है, चाहे वो मर्चेंडाइज में हो चाहे आपका सर्विस में हो, तो मर्चेंडाइज एज वेल एज सर्विस, इन दोनों में जब भी ट्रेड हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसके बैलेंस को ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट रिप्रेजेंट द बेटर पिक्चर ऑफ कंट्री इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिल्कुल करेक्ट है, क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है केवल और केवल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, केवल और केवल किसका? ऑफ ओनली एंड ओनली मर्चेंडाइज, सर्विसेज को यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा अच्छा टर्म रहेगा। रीजन देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक इनटू अकाउंट एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल। मर्चेंडाइज को विजिबल बोलते हैं, सर्विसेज को इनविजिबल बोलते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं करता है। तो ये सही स्टेटमेंट भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 31 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट पूछा गया है, ध्यान से समझना है हमें। यहां पर बोलता है कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया वॉज सेटअप विद सोवियत यूनियन। नहीं, सोवियत यूनियन नहीं, जर्मनी की सहायता से मिलकर बनाया गया था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा पढ़ लेते हैं। सैलम स्टील प्लांट इज प्रीमियर प्रोडक्शन एंड स्टेनलेस स्टील। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड अ सब्सिडियरी ऑफ सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। करेक्ट है। विशाखापट्टनम इज यूनियन ऑफ, बाकी ठीक है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इन केस अगर आ भी जाता है तो ये क्वेश्चन केवल और केवल करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स बेस्ड में हो गया कि अगर मान लेते हैं कि कोई नया पावर प्लांट है, जैसे गोरखपुर का जो हरियाणा वाला पावर प्लांट है किसके मदद से बन रहा है, या फिर आपका जो ककरापार है गुजरात में वो किसके मदद से बन रहा है, ये सब आपको करंट अफेयर्स बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में आप लोगों ने जितने भी पावर प्लांट या फिर कोई भी इस तरीके के प्रोजेक्ट पढ़े होंगे, अगर वो बाहर के किसी कंट्री के साथ मिल करके बाहर के किसी कंट्री के साथ सहायता से बन रहे होंगे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न दो अलग अलग लिंक है। वेस्टर्न को जो बनाया जा रहा है वो जापान की मदद से बनाया जा रहा है, और ईस्टर्न को जो बनाया जा रहा है वो वेस्ट बंगाल की मदद से बनाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल नहीं वर्ल्ड बैंक की मदद से बनाया जा रहा है। तो इस वजह से अगेन ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं तो करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं। तो आपको इन तरह के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, बस करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। एमएमटीसी लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगेन देखिए, जो पुराना क्वेश्चन था उसी के तरीके का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करेक्ट है। खैर, इसके बाद है नीलांचल इस्पात लिमिटेड हैज सेटअप बाय एमएमटी इज उड़ीसा के साथ। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी है। लेकिन अगेन ये स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए केवल और केवल करंट अफेयर्स बेसिस ही रहेंगे, तो आपको इसमें ज्यादा याद करने की ऐसी जरूरत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। बस करंट अफेयर्स बेस पे हमेशा ध्यान रखा करिएगा कि अगर कोई इस तरीके की सब्सिडियरी खुल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी का बेसिकली पेरेंट कंपनी कौन सी है। क्लियर? आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कमोडिटीज आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया, यानी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है और बाकी की कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, किसके द्वारा? जो भी एरिड और सेमी एरिड कंट्रीज इन मिडिल एशिया, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला के बारे में बात कर रहा है, अरेबियन पेनिनसुला। और इस अरेबियन पेनिनसुला में कंट्री कौन सी हो सकती है? बहुत सारी कंट्री हो सकती है, ईरान हो सकता है, इराक हो सकता है, सऊदी अरेबिया हो सकती है, यमन हो सकता है, ओमान हो सकता है, यूएई हो सकता है, बहुत सारी कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज, कुवैत हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है। अब इसमें देखिए, क्या ये लोग एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं? वूल और कारपेट? नहीं, वूल और कारपेट ये लोग नहीं करते हैं। फ्रूट एंड पाम ऑयल? यस, यही तो करते हैं, खजूर वगैरह यही सब तो किया जाता है। बाकी प्रीशियस स्टोन पर्ल ये सब नहीं, बल्कि इंडिया में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। परफ्यूम कॉफी यहां से नहीं होता, ये सब साउथ अमेरिका ब्राजील से हो रहा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। तो आप एक गेस भी कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अगर आइडिया है तो बहुत आराम से आप गेस कर सकते हैं। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए, एक होती है पार्टनरशिप जो होती है, जो पार्टनरशिप होती है, ये पार्टनरशिप एक एक्ट होती है, उसके तहत ये काम कर रही होती है। इसके बारे में हालांकि हमको नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं आता है।
ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये उस समय 2009 के दौरान में काफी करंट अफेयर्स में था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बारे में। ये पार्टनरशिप फर्म जो होती है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, मतलब यहां पर इंप्लॉई या जितने लोगों के बीच में पार्टनरशिप होनी है उसको लेकर के कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, तो ये आराम से किसी भी दो लोगों के बीच में, 10 लोग के बीच में, 15 लोग के बीच में, किसी के भी बीच में किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि इट शुड बी लेस देन 20, ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। बाकी जितना स्टेटमेंट दिया गया वो करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट नीड नॉट बी सेपरेट, बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनल गवर्नेंस मे बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर वगैरह हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी विद परपेचुअल सक्सेशन, ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर सीधे सीधे ए हो जाएगा। हालांकि अगेन मैं बोलूंगा ये उतना ज्यादा अब काम का नहीं क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो सकता है, बिकॉज ये बहुत पुरानी बात है। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करें, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ये क्या करता था। फॉरवर्ड जो मार्केट कमीशन है ये आती थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, और ये बेसिकली जो रेगुलेट करती थी वो करती थी कमोडिटी को, कमोडिटीज को। बाद में इस फॉरवर्ड मार्केट को इंटीग्रेट कर दिया गया किसके साथ में, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है सेबी के साथ में। अब जितने स्टॉक्स कमोडिटी सब कुछ होती है सब कुछ सेबी के द्वारा देखा जाता है, तो फिलहाल के लिए आप देख लीजिए कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ही इस समय गड़बड़ हो गया है क्योंकि ये मर्ज कर दिया गया है सेबी के साथ में, तो ये बात ही खत्म हो गई। तो अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बेसिकली इस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करेंगे, देखिए कैसे प्रमोट करेंगे। सबसे पहला बोलता है सेटिंग अप ऑफ एनआईएमजेड, बिल्कुल करेक्ट है, एनआईएमजेड जो होता है वो बनाया जा रहा है, इससे क्या होगी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगी। जैसे एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे फूड पार्क वगैरह बनाया गया है उसी तरीके से एनआईएमजेड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, एक तरीके से बोल सकते हैं। प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, यस बिल्कुल सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जा रहा है। एस्टैब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, बिल्कुल किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट पढ़ करके ही आपको लग जाएगा कि हाँ ठीक है ये सारा कुछ किया जाएगा ग्रोथ के लिए, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, सब कुछ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अगेन, देखिए आईआईपी से रिलेटेड है। इन इंडिया इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको आईआईपी बोलते हैं इज द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव अ कंबाइंड वेटेज ऑफ 37%। हालांकि देखिए इसको रिवाइज करके 40% कर दिया गया है, तो आप मेक श्योर कि ये आपको ध्यान रहे क्या चीज है। प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में मैंने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड सर्च फॉर दैट एंड लुक इनटू द जो भी कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, कौन से 8 इंडस्ट्री में आ जाती है, सीमेंट आती है, यस आती है, फर्टिलाइजर आती है, नेचुरल गैस आती है, रिफाइनरी आती है, टेक्सटाइल नहीं, टेक्सटाइल नहीं आती है, इसके अलावा आ जाती है स्टील आ जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह आ जा रहा होता है, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हो जा रहे होते हैं। तो इसमें 5 छोड़ करके बाकी सारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगी इसकी सी, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, हमारे पास काफी ज्यादा कोल है, इनफैक्ट आत्मनिर्भर भारत इसमें आया हुआ है, उस आत्मनिर्भर भारत में कोल पे काफी अच्छा फोकस किया गया है, इनफैक्ट इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। अब प्राइवेट प्लेयर भी आ जाएंगे, जो मतलब कोल इंडिया लिमिटेड है उसको अब प्राइवेटाइज करके अब बाकी लोगों को भी फोकस किया जा रहा है। यहां पर आपको जो ध्यान में रखना है वो नेल्प पॉलिसी वर्सेस हेल्प पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें जो रीसेंट वन है ये हेल्प पॉलिसी है जिसमें रिवेन्यू शेयरिंग पे काम करना होता है, रिवेन्यू शेयरिंग। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नेल्प और हेल्प इन दोनों में डिफरेंस आपको पता हो, आपको पता हो कि आखिर में नया कुछ क्या किया गया है, प्राइवेटाइज करने के दौरान में भी क्या कुछ पॉलिसीज वगैरह ली गई हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आ जाए अगर, तो यहां पर बोलता है कि रिजर्व ऑफ कोल है फिर भी हम लोग क्यों नहीं निकालते हैं, क्यों हम लोग बाकी सारा का सारा जो होता है इंडिया इंपोर्ट ही कर रहा होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है इट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री, नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं और हम लोग यहां पर इग्नोरेंस किए हुए हैं, इस वजह से इग्नोरेंस हमारी ज्यादा है, इस वजह से हम लोग नहीं करते, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशियंट सप्लाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए तो बाहर से मंगा रहे होते हैं। स्टील कंपनी को बहुत ज्यादा कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है और हम लोग बाहर से मंगा रहे होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हालांकि अभी हम लोगों बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात किया हुआ है, देख लेते हैं क्या कुछ है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, क्या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है इसमें, इसमें होती है क्या कुछ चीजें, ये एक कंट्री, कोई एक कंट्री है, सपोज दिस ए कंट्री, एक कंट्री का बाकी के कंट्रीज के साथ में कैसा ट्रेड है उसी को ये ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर रही होती है। देख लेते हैं क्या ऑप्शन है, ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली अ ईयर, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद, गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, ये भी करेक्ट है। अगली आ जाती है कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये नहीं करेक्ट है। अब देखिए सी और ए ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, ऊपर लिखा हुआ है ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, देखिए यहां पर ये गड़बड़ हो गया है क्योंकि केवल और केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन को ही बात कर रहा है, बाकी जितने भी ग्रांट या जो कुछ भी लोन वगैरह जो कुछ भी चीजें हैं उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, जबकि वो सारा कुछ भी इंक्लूड होता है। इसी वजह से ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दीज आर द ब्रॉडर टर्म्स, ये आपको पता होने चाहिए क्या चीज है, इस वजह से आंसर हो जाएगा सी, क्लियर। बाकी आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा किसमें लगता है, अरे पेट्रोल, ये आपका थर्मल पावर प्लांट में लगता है, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा पानी देना पड़ता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो एग्रीकल्चर में काम कर रही होती है जिसमें ज्यादा लोग आ जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं रहता है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ लेबर इज जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ये सब देखिए बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने को नहीं है, और ये सब क्वेश्चन देखिए रिपीटेडली रिवाइज होते हैं, ये लगातार, ये मतलब समझ लीजिए कि आते रहते हैं, ये क्वेश्चन जो होता है रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, करंट अकाउंट में मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि यहां पर जो कुछ भी लेस देन वन ईयर की चीज होती है उसको हम लोग करंट अकाउंट में रखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया, फॉरेन असेट्स आ गई, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आ गई, ये हो गई मर्चेंट के लिए, ये हो गई सर्विसेज के लिए, और ये हमारा फॉरेन असेट वाली चीज हो गई। सीधे सीधे आंसर लिख लेंगे, क्या क्या हो जाएगा, वन एंड थ्री आ जाएगी, वन एंड थ्री, दिस इज फॉरेन असेट, यहां पर तो कोई मतलब नहीं है, तो फॉरेन असेट नहीं होती है, फॉरेन असेट जो होती है वो कैपिटल अकाउंट में आ जाती है, दिस कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 42 का सी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इन इंडिया, देखिए इसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल में चर्चा की हुई है अपने प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में, अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है वापस से जाइए, वापस से उस वीडियो को देखिए और आपके कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन करने पे ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, वैसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर द इंपोर्ट ऑफ, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट तो हालांकि कोकिंग कोल की होती है, होती थोड़ी मोड़ी सबकी है, लेकिन हम लोग कोकिंग कोल ज्यादा रिक्वायर कर रहे होते हैं, कोकिंग कोल ही ले रहे होते हैं। बाकी देखें फिर अगेन आईआईपी के बारे में है, यहां पर क्या चीज है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन हाईएस्ट वेटेज, किसको हाईएस्ट वेटेज दिया जा रहा होता है, तो देखिए प्रेजेंट में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। यहां पर देखिए वेटेज में थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन चेंज करने के बावजूद भी कुछ खास चेंज नहीं आया है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी टॉप पे आ गई है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा वेटेज होता है और फर्टिलाइजर का सबसे कम वेटेज होता है, तो ये आप मेक श्योर कि आपको ये जानकारी रहे, क्योंकि ये लगातार हर एक से दो साल के इंटरवल पे हमेशा पूछे जाते हैं, तो आईआईपी रिलेटेड चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट आईआईपी रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो इस बार 4.3% लॉस हुआ है, लॉस का मतलब कि वैल्यू जो होती है वो गिर गई है, वो रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो निगेटिव दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट कंज्यूमर, सीपीआई एंड सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, कौन डेटा निकालता है, लेबर डिपार्टमेंट निकालती है, लेबर ब्यूरो, काम खत्म हो गया, बाकी के जितने सीपीआई होते हैं वो निकाली जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, सीपीआई एक्चुअली निकाली जाती है, किसी के द्वारा नहीं निकाली जाती है सीपीआई, सीपीआई जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है सीएसओ के द्वारा, क्लियर हो गया। यहां पर फिलहाल आईडब्ल्यू के बारे में लेबर वर्क लेबर ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करें, एनआईएमजेड कहां एस्टैब्लिश किया गया है, देखिए 2016 का करंट अफेयर्स था तो इस समय ये किसी काम का नहीं है आपके लिए, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये इररिलेवेंट क्वेश्चन हो गया प्रेजेंट के लिए, फिलहाल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आंसर था। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में अगर बात करें तो देखिए विद रेफरेंस टू प्री पैकेज्ड आइटम इन इंडिया इट इज मैंडेटरी टू मैन्युफैक्चर टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेन लेवल, देखिए अपने साथ जब भी एग्जाम हॉल में जाइए कुछ ना कुछ खाने पीने का जरूर लेकर के जाइए, इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो हाथों हाथ
पैकेट निकालिए, जो कुछ भी खाने पीने का आप लेके गए हैं, देखिए उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। जब आप देखेंगे उस पर तो लिखा रहेगा लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव्स, सब लिखा होता है उस पर। मैगी के साथ यही केस हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ था मैगी बैन का, इसी वजह से क्वेश्चन आया था कि क्या क्या उसमें लिखा होता है। दूसरी आती है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, बिल्कुल लिखा होता है उसमें कैल्शियम इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, तो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लिखा होता है। मेडिकल प्रोफेशनल के बारे में नहीं लिखा होता है कि एलर्जेटिक कुछ क्या है, क्या क्या नहीं है, ये सब नहीं लिखा होता है, इसीलिए तो बल्कि क्रिटिसिज्म हुआ था। बाकी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ग्रीन वाला ये बना होता है, तो 1, 2, 4 ये होता है जो पैकेट पे बना होता है। बाकी देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप कुछ भी खाने पीने का लेकर के गए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में आप तुरंत करके इसको आ जाते। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करें, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में यहां पर पूछा गया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन मिनिस्ट्री, बिल्कुल करेक्ट है। चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन अब यूपीएससी के बहुत ज्यादा फेवरेट एरिया में आ गए हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट कहां की डिपार्टमेंट क्या करती है, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होती है, कैसे इसको हटाया जाता है, क्या है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहा हूं और वो सेपरेट वीडियो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, देखिएगा, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब जितने भी डिपार्टमेंट करंट अफेयर्स में बने हुए हैं उन सबको सेपरेटली लेकर के आया जाएगा, क्योंकि वो कहीं पर आपको मिलेगा नहीं। तो इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाकर के ज्वाइन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।